हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं माय क्रिएशन एसएम। थर्मोकोल के रीयूज आइडिया पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं जिसे आप सब ने काफ़ी पसंद किया था। आज फिर से मैं थर्मोकोल रीयूज का आइडिया लेकर आई हूं। उम्मीद है आप सबको काफ़ी पसंद आएगा। आज मैं इसे बनाऊंगी एक फ़ोटो कोलाज फ्रेम। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का DIY। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये थर्मोकोल की शीट रखी हुई थी जो बैक साइड से कुछ ऐसी दिखती है और फ्रंट साइड से इस तरह। इसके एजेस काफ़ी टेढ़े मेढ़े थे, आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके लिए मैंने पेपर कटर लिया और इससे इसे फाइन कर लिया। इसी तरह इस साइड को भी मैंने कट करके इक्वल कर लिया। इसके बाद एक प्लास्टिक रैपिंग शीट ली जिससे फ़ोटो को कवर करेंगे ताकि इन्हें डैमेज होने से बचाया जा सके। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, मैंने सेफ्टी पर्पज़ से इसे लिया है। मैंने यहाँ पर 4 छोटे साइज़ की और एक A4 साइज़ की फ़ोटो ली है। हम चाहें तो यहाँ पर 6 फ़ोटो भी ले सकते हैं छोटे साइज़ की, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने उसी के हिसाब से इसे बनाया है। मेरे पास जो छोटी फ़ोटो है फ्रेम के हिसाब से वो भी काफ़ी बड़ी हैं, लेकिन मैं उन्हें ना तो कट करूँगी, ऐसे ही एडजस्ट करूँगी ताकि फ्यूचर में कभी भी मुझे इन फ़ोटो को इस फ्रेम से निकालने का मन करे और किसी दूसरे फ्रेम में लगाना हो तो मैं इसे एज इट इज़ लगा सकूँ। शीट को फ़ोटो में लगाने के बाद उस पर कुछ रिंकल्स पड़ रहे हैं जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी आयरन। उसके लिए मैं प्रेस को हल्का सा गर्म करके और फोटो पर एक कपड़े को रख कर उसके ऊपर हल्की हल्के प्रेस करूँगी, क्योंकि ज़्यादा गर्म होने से प्लास्टिक शीट जल जाएगी। ये एक तरह से हमारी फ़ोटो पर लेमिनेशन ही है और फिनिशिंग आप खुद ही देख सकते हैं कि प्रेस करने के बाद कितना चेंज आया है। इसके बाद बाकी की 4 फ़ोटोज़ पर भी मैं यही प्रोसेस अप्लाई करूँगी। और अब बारी है फ्रेम को रेडी करने की। इसके लिए आप बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि मैंने किस तरीके से ये फ्रेम तैयार किया है। मैंने इसके साइड में कलर करने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ किया है ताकि फिनिशिंग आ सके और कलर आउट ना हो, क्योंकि साइड में मुझे दूसरा कलर करना है। कलर होने के बाद हम मास्किंग टेप को उतार लेंगे। फ़ोटो को मुझे फ्रेम के बैक साइड में लगाना है, इसलिए फ़ोटो के फ्रंट साइड पर मैंने डबल टेप लगाई है और इसको फ्रेम के बैक साइड में लगा दिया। हालांकि ये फ्रेम के साइज़ से काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने पहले भी बताया था मुझे इसे वेस्ट नहीं करना, जितना मुझे फ्रेम में चाहिए उतना मैंने रखा, बाकी का पीछे छिप गया।
और इस तरीके से चारों छोटी फ़ोटो मैंने फ्रेम के पीछे लगाई है और A4 साइज़ जो बड़ी फ़ोटो है वो मैंने फ्रेम के फ्रंट पे लगाई है और बीच में मैंने जस्ट डार्क ग्रे कलर से स्पंज से डैब किया है। ये जो फ्रेम है इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर कुछ शेप बनी हुई थी जिसे मैंने हाइड करने के बजाय हाईलाइट किया है। जिसमें मैं कुछ लिखने वाली हूँ वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। जो बड़ी फ़ोटो मैंने फ्रंट पे लगाई है उसको मैंने ब्लैक कलर का बॉर्डर किया है। जब मैं इस फोटो का बॉर्डर बना रही थी उस वक्त कुछ कलर फ़ोटो पर भी लग गया था जिसे मैंने साफ़ करने के बजाय एक कपड़े की हेल्प से थोड़ा और फैला दिया जिससे फ़ोटो की एजेस थोड़ी हाइड हो जाएंगी, जिससे पता नहीं लगेगा कि फ़ोटो ऊपर से लगाया गया है। इसके बाद एक और थर्मोकोल की शीट ली जिसमें से मैं निकालूंगी कुछ अल्फ़ाबेट्स। यहाँ जितने बड़े मुझे लेटर चाहिए उतनी चौड़ाई लेकर शीट की मैं काट लूँगी और उसमें अपने बेटे के नाम की स्पेलिंग ड्रॉ कर दूंगी और इन लेटर्स को मैं पेपर कटर से कट कर लूंगी। और पैरेट कलर से इसे कलर कर दिया। और ग्लूगन से इन सभी लेटर्स को फ्रेम पर लगा दिया। अब जो इन शेप को मैंने हाईलाइट किया था उन पर मैं फ़ोटो की थोड़ी सी डिटेल लिखूंगी जिससे एक मेमोरी बनी रहेगी कि ये फ़ोटो कब ली गई थी। शायद ये बेनिफिट हमें रेडीमेड फ्रेम में ना मिले, इसीलिए DIY में जो खुशी और तसल्ली है वो मार्केट से ख़रीदने में नहीं। और इस तरह ये मेरी फ़ोटोज़ की डिटेल हो गई और मेरा DIY कोलाज फ्रेम तैयार हो गया। और अब मैं इसे जिस वॉल पर लगाने वाली हूँ वो बिल्कुल बैंक पड़ी थी जहाँ मैंने नेल लगा लिया है,
और इस तरह इसे इस वॉल पर लगा दिया। तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर पसंद नहीं भी आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे आपका फीडबैक मिलता रहे। तो आप भी ट्राई करें इस तरह के DIY और मेरे साथ फ़ोटो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और DIYs देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।